श्रीकृष्णा 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमको आप मेडिटेशन सिखाओ, हमको आप जप करना सिखाओ, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। देखो, हमको स्वयं को ही सीखना पड़ता है, और जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं है उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते, और जो सीखने के लिए तैयार है उसको भगवान भी नहीं रोक सकते। अध्यात्म का तात्पर्य अपने इस स्वतंत्र शक्ति को पहचान लेना। एक ग्रंथ है भगवान शंकराचार्य का, विवेक चूड़ामणि, 581 श्लोक है उसमें, और पूरा गुरु शिष्य का संवाद समाप्त होने के पश्चात फिर गुरु महाराज अपने रास्ते से निकल गए, शिष्य महाराज अपने रास्ते से निकल गए, और फिर मिलने की आवश्यकता नहीं। ऐसे नहीं कि ढोए जा रहे शिष्य का बोझा सर पर, नहीं। देखो, इस ज्ञान की विशेषता यही है, इसके बारे में साधु संत कहते हैं, जो मैजिक स्टोन होता है पारस, लोहे को लगाओ तो लोहे का सोना बनेगा, लेकिन उस सोने का वो क्षमता नहीं देगा कि वो सोना यदि दूसरे लोहे को लगा तो उसका सोना नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ जो शास्त्र सम्मत उपदेश है इसके द्वारा ये कमी नहीं रहती, अपनी ही जैसे बना करके शिष्य को छोड़ देते हैं, पकड़ के नहीं रखना। और ऐसे देखेंगे आप, ऐसे जो वेदांत के प्रतिष्ठित ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय आचार्य होते हैं वो कभी भी आप पर बंधन नहीं डालेंगे, वहां सुनने को मत जाना, वो मत करना, ये मत करना, उधर जाओगे तो तुमको गुरुद्रोह होगा। देखो, रामचरितमानस में ये कहानी आती है, उत्तरकांड में बताते हैं कि मैं अपने गुरु महाराज से सीख रहा था, तो एक दिन शिव जी के मंदिर में गया और वहाँ ध्यान के लिए बैठा था, पीछे मेरे गुरु महाराज आए, फिर भी मैं उठा नहीं, तो एकदम वहाँ ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी हो गई, गुरु आने के बाद भी तुमने उठ करके उनको आदर नहीं दिया, ये गुरुद्रोह है। देखो, और फिर वहां कहते हैं यदि आप ईश्वर का अपमान करो तो गुरु आपको बचा लेगा, और गुरु का अपमान करो तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। ऐसे जो डर डर के रहते हैं उनके लिए अध्यात्म नहीं। देखो महाराज, नायमात्मा डरपोके न लभ्या, उपनिषद में आता है, जो डरपोक है उनके लिए नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति सीखने को तैयार है, सीखने को सक्षम है, उसी व्यक्ति के हृदय में गुरु महाराज प्रकट हो गए। देखो, और ये गुरु महाराज व्यक्ति नहीं है, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक ही तत्व की तीन अभिव्यक्तियां है। जब जगत के निर्मित का कार्य थोपा गया परमात्मा पर, तब उनको ब्रह्मा जी कहा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट PWD, फिर वो हो गए विष्णु भगवान, फिर बुराई को हटाने का कार्य लगा दिया भोले बाबा। देखो, लेकिन इन सब के पीछे गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परमात्मा ही हमारे हृदय में गुरु के रूप में प्रकट होता है। खाना यदि प्लेट में हो और आपको कस के भूख लगी हो,
खाने को देख करके पढ़ करके पेट नहीं भरेगा। जहां भूख है वही अन्न पहुंचना चाहिए। इसी प्रकार से समस्या कहां है? समस्या बाहर नहीं है, समस्या अपने मन में है। तो जब तक के गुरु महाराज मन में प्रकट नहीं होंगे तब तक के समस्या का समाधान नहीं होता। तो ये गुरु का हृदय में प्रकट होना माने सीखने की क्षमता। हमको अपने जीवन में हर एक अनुभूति से सीखना है, सीखना है, सीखना है। इसको कभी मत भूलना, नहीं तो ये गुरु गुरु कर करके हम अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। कोई किसी ने किसी के कान में कुछ बोल दिया तो गुरु होता है तो लोग कितनी चुगली करते एक दूसरे की कि गुरु बन गए एक दूसरे के। इसीलिए जब पूछा ब्रह्मा जी से अश्वलायन जी ने कि मुझे ब्रह्म विद्या सिखाओ, उन्होंने कहा देखो भाई सीखने सुखने की बात नहीं होती, आपको सीखना पड़ेगा। केनोपनिषद में इसी प्रकार का विचार है। वहां विद्यार्थी कहता है कि आप मुझे सिखाओ, तो वहां कहते हैं कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतत् अनुशिष्यात्। इस तत्व को ना तो इंद्रिय मन बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है, ना तो इसको कैसे सिखाए ये भी हमको मालूम है, मालूम नहीं है कैसे सिखाए, हमको नहीं मालूम। देखो तो भी हमने गलत जगह पर आए, 100% गलत जगह पर आए, दूसरी जगह चले जाओ। नहीं 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 महाराज ऐसे हमको निकाल मत दो, कुछ तो बताओ, आपके गुरु महाराज ने आपको क्या पढ़ाया था? बोला वो मैं बताता हूं सुनो। अन्य देव तद विदितात् अथ अविदितात् अधि, माने जो ज्ञात और अज्ञात के परे है, ज्ञात भी नहीं अज्ञात भी नहीं। अब इसमें से क्या निकला? देखो हमको हाथ में लड्डू चाहिए, थोड़ा तो चिंतन करें तब आदमी सीखता है। तो ज्ञात क्या है? ज्ञात है भूत, सब मालूम है भूत का। अज्ञात क्या है? भविष्य। जो भूत भविष्य के परे है वो अपना स्वरूप है। ज्ञात क्या है? कार्य। अज्ञात क्या है? कारण। रोग के लक्षण हमको ज्ञात है, रोग क्या है ये ज्ञात नहीं है। तो ज्ञात कार्य हो गया, अज्ञात कारण हो गया। ज्ञात अज्ञात के परे है माने क्या हो गया? जो कार्य कारण के परे है, जो भाव अभाव के परे है, जो सत असत के परे है, जो जड़ चेतन के परे है, क्या है ये थोड़ी बता रहे। तो जिसको जिसको हमने पकड़ के रखा है उसको छोड़ो ना, और जिसको छोड़ नहीं सकते वो हम है। इसलिए कहते हैं अवै ही सीखो महाराज अपने आप को। कैसे सीखे उसके लिए साधना बताते हैं, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात। श्रद्धा, श्रद्धा चाहिए चार जगह में। भगवान कहते हैं शंकराचार्य महाराज, शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्रों में जो कहा है और गुरु महाराज ने जो समझाया है वो किस प्रकार से सत्य है, झूठ नहीं है, ऐसे स्वीकृति का जो विधेयात्मक प्रयत्न है उसको कहते हैं श्रद्धा। कई लोगों का ये विचित्र विचार होता है कि देखो हम अंधश्रद्धा नहीं रखते। अरे भैया श्रद्धा हमेशा अंधी ही होती है। यह अंधश्रद्धा एक गलत शब्द है। देखो ये ऐसा ही है, गांधी कैप टोपी पहन लेना। अरे गांधी कैप टोपी के दो बातें हैं क्या?
तो श्रद्धा हमेशा अंध ही होती है। कैसे? अब हमको मालूम है कि हम किस माँ के कोख से नीचे आए? मालूम नहीं। बताते हैं ये तुम्हारी माँ है तो मान लिया। डीएनए करते हैं क्या पहले? और फिर वो माँ जिसको हमने अंधश्रद्धा के माध्यम से मान लिया है वो कहती है ये तुम्हारे पिताजी है, मान लिया ना। हमारी सत्ता ही श्रद्धा के संबल पर खड़ी रहती है। इसीलिए यहां जो कहते हैं श्रद्धा माने शास्त्रों में जो बताया है और गुरु महाराज ने जो बताया है वो कैसे सच है, सत्य बुद्धिया अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः, सद्भिः साधु संतों के द्वारा इसी को श्रद्धा कहा है। और यया वस्तु उपलभ्यते, जिसके द्वारा परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है। गीता में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। वह ये नहीं कहा बुद्धिमान लभते ज्ञानम, नो, श्रद्धा की आवश्यकता है। तो एक तो श्रद्धा शास्त्र वचन में, दूसरी श्रद्धा गुरु महाराज के उपदेश में, तीसरी श्रद्धा ईश्वर के अनुग्रह में। हमारा जीवन एक भी क्षण ईश्वर के अनुग्रह के सिवा नहीं चल सकता। और चौथी श्रद्धा अपने आप में, हम कर सकते हैं। नहीं जी हमने बहुत ट्राई किया, क्यों नहीं हो सकता, कर सकते हैं। आप पत्थर थोड़ी हो, जिंदा इंसान हो। देखो ये चार जगह श्रद्धा हो, फिर श्रद्धा भक्ति। तो श्रद्धा हो गई बुद्धि की शक्ति, भक्ति हो गई मन की शक्ति। जिसका मन शक्तिशाली है उसके हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो गई है वो आदमी डर डर के नहीं रहता। आप देखेंगे कितने ये उपासना करने वाले भगत लोग होते हैं, उनमें आत्मविश्वास की बड़ी कमी होती है। अरे एक बार हमने अपने आप को भगवान के हाथ सौंप दिया, फिर डर के क्यों रहते हैं, निडर होके रहे। देखो तो श्रद्धा भक्ति और फिर ध्यान योग। ध्यान योग का तात्पर्य है ऐसे ट्राई करें। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये पुस्तकों से नहीं है और इसके लिए आपको फीस देनी नहीं है। मेडिटेशन क्लास फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, अनंत में लेवल नहीं होती, अनंत बिना लेवल का होता है। तो ये बहुत सिंपल टेक्निक है, अभी से शुरू करते हैं। 10 सेकंड तक अपने आप से मत बोलना, हाँ 10 सेकंड हो गए आपका पहला मेडिटेशन। फिर स्टैमिना बढ़ाओ, 10 की जगह में 15 सेकंड अपने आप से ना बोले। प्रारंभिक अवस्था में ये 10-15 सेकंड का दिन में 5-6-10 बार जब समय मिले जहां बैठे हैं वहां इसका अभ्यास करें। ज्यादा मत करना, घंटों से कुछ नहीं होता उसमें। 10 सेकंड 15 सेकंड जब उसमें निष्ठा हो जाएगी फिर 20 सेकंड करो। जैसे छोटा सा बालक पैदा होने के बाद दौड़ने थोड़ी लगता है, कितना धीरे धीरे सीखता है वो।
पहले हवा में चलना सीखता है, फिर उसको लगता है अरे मैं तो कहीं आगे जा ही नहीं रहा हूं, फिर वो करवट बदलता है और फिर भी नहीं आगे जा रहा है, फिर वो पेट के बल आता है, रेंगना शुरू कर दिया, धीरे धीरे होता है ना। ट्राई करो, किसी आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान योगात ये निष्ठा होने के पश्चात अगली स्टेप बताते हैं, अपने आप से नहीं बोलना माने कर्मेंद्रियों को जीत लेना। वाणी या वाचा कर्मेंद्रिय है, फिर एक उसके साथ और जोड़ लो, वो ये है कि अपने आप से नहीं बोले और शांति का श्रवण करें। अब इसका मतितार्थ समझ लो, अपने आप से नहीं बोलना माने क्रिया शक्ति को रोक लिया, शांति का श्रवण करना माने ज्ञान शक्ति को रोक लिया, क्योंकि कान केवल शब्द को श्रवण कर सकते हैं, शांति का श्रवण नहीं होता। जब हम शांति के श्रवण में लगेंगे तो हमने ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया है, तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति ये दो शक्तियां जब स्थिर हो जाती है उसी को चैतन्य कहते हैं। जहां गति है वहां संसार है, जहां स्थिति है वहां परमात्मा है। हर एक प्रश्न ज्ञान शक्ति की गति है, हरेक क्रिया कुछ भी हो, भगवान का नाम लेने से कुछ भी हो वो क्रिया में गति है। जहां गति शुरू हो गई संसार शुरू हो गया। ये है वो एतद्वैतत् कठोपनिषद कहती है। अब ये जो आपका अनुभव है ना तो किसी को बता पाओगे और ना बताने की आवश्यकता है, क्या जरूरी है बोलने को मालूम है यार आज मेडिटेशन में ये मजा आया, अरे ये कोई रसगुल्ला है क्या खाने का मजा आ रहा। जब ध्यान में मजा आता है तो हम ध्यान के भोगी है, योगी नहीं है। ध्यान यह योग है, भोग नहीं है। कितनी जगह यही होता है, उस दिन महाराज जी इतना अच्छा ध्यान हुआ था एकदम सॉलिड, आज क्या लिक्विड है। देखो इसीलिए श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवई ही। अब हम कहां फंसते हैं जिसके कारण हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते, किसके कारण हमारा स्वरूप ढक गया है वो बताने के लिए आगे मंत्र में कहते हैं, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति। इस मंत्र का और अगले मंत्र का उच्चारण जब सन्यासियों को रिसीव करते हैं तो उस समय एक कुंभ में जल डाल करके आम के पत्ते उसके ऊपर में नारियल और उस कुंभ को अच्छी तरह से सजाते हैं। ये इसको सजाने का बढ़िया तरीका देखना है तो आप गुजरात में चले जाओ, इतना सुंदर बनाते हैं। और फिर उसको चंदन चंदन लगा करके सब, और फिर फूलों से मढ़ाते हैं, और फिर जब सन्यासी आता है तो उसके सामने इस पूर्ण कुंभ को धरते हैं और ये मंत्र का पाठ करते हैं।
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु परेण नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। इन दो मंत्रों का पाठ करते हैं सन्यासी को रिसीव करते समय। अब देखो क्या कहते हैं, न कर्मणा, ना तो कर्म के द्वारा, न प्रजया, ना प्रजा के द्वारा, न धने न ना पैसे के द्वारा, अमृतत्व मानशु, अमृतत्व की उपलब्धि नहीं होती। फिर त्यागी न एके, केवल त्याग से ही परमात्मा की उपलब्धि होती है। तो पहले न कर्मणा, क्या इसका मतलब यह है कि सन्यासी निकम्मी होके बैठे? नहीं, कर्म करे लेकिन उसमें कर्तृत्वाभिमान ना हो। जब कर्तृत्वाभिमान होता है तो छोटी छोटी बातों पर बड़ा गुस्सा आता है। देखो मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं और आप लोग सो रहे हो, उठो, आ गया गुस्सा। आपने देखा होगा कई महात्माओं को इतना गुस्सा आता है छोटी छोटी चीजों पर। थोड़ा कोई लेट आ गया तो उसकी तरफ ऐसा देखेंगे, इसको मैं कच्चा काट के खा जाऊं क्या करूं। कई बार बुढ़ाओ लोग बेचारे बीच में उठ के निकल जाते हैं, इनको गुस्सा आता है, बीच में से उठ रहा। और सवाल यह है उनका बीपी इतना हाई हो गया है, बीपी माने ब्लैडर प्रेशर। अब बुढ़ापे में आदमी नहीं रोक सकते क्या, वही कर दे? देखो महाराज, लेकिन ऐसे गुस्सा गुस्सा क्योंकि मैं बोल रहा हूं। अरे आप बोलते रहो, सुनता कौन है? बोलना भरे आपके मुंह में हो, सुनना तो आपके कान में नहीं है। रिलैक्स होकर रहो ना। जहां कर्तृत्वाभिमान है वहां सफलता विफलता है, जहां कर्तृत्वाभिमान है वहां सुख दुख है, जहां कर्तृत्वाभिमान है वहां लाभ हानि है। न कर्मणा, हमने ये बात सीखी है हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज से। उस दिन से हमारा पूरा जीवन बदल गया। बहुत पुरानी बात है, जवान थे उस समय, कथा हो रही थी कलकत्ते में बिरला जी के यहाँ, ऐसा बड़ा ओपन ग्राउंड वहाँ चल रहे थे, और मारवाड़ियों की कथा, डिसिप्लिन का नाम नहीं। और वो भी यदि बंगाल के मारवाड़ी हो तो करेला नीम चढ़ा। तो वहाँ महाराज जी को हम लोगों ने अपने स्थान पर बैठा दिया। बीमार थे, उनको कैंसर हो गया था और कैटरेक्ट था, उनको बैठा दिया। और ऐसा वहाँ छी 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 चल रहा है, जैसे पोल्ट्री फार्म चल रहा है, फिश मार्केट। उसमें से कोई आएगा उनको चंदन लगाएगा, दूसरा आएगा माला पहनाएगा, तीसरा आएगा उनके पुस्तक पर पेपर वेट के जैसा एप्पल रखेगा, चौथा चक्कर काटेगा। अरे ये कोई तमाशा है क्या शिव जी का? सत्संग है ये, कौन समझाए? और ये सब होते होते एक सज्जन खड़े हो गए और हाथ में कागज लिया। महाराज जी कुछ प्रश्न है आपके लिए। और एक नहीं दो नहीं दसों प्रश्न पढ़े उन्होंने। देखो, और ये सब जब हो रहा था उस समय मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि उठ करके एक एक की पिटाई करूं। पहले जवान था ना, खून उबल रहा था, लेकिन कर तो कुछ नहीं सकते तो चुप बैठे रहे। इतने हल्ला गल्ला में महाराज श्री एकदम शांत, हिमालय के जैसे, कोई इन पर विक्षेप नहीं। और जितने प्रश्न पूछे थे सभी प्रश्नों को उन्होंने उसी सीक्वेंस में ऐसा दोहराया कि जिसमें उसके उत्तर आ गए, एक झटके में सब खत्म। और हम तो एकदम अवाक हो गए। उस दिन हमने कहा कन्हैया लाल हैंग अराउंड, हमको आपके दर्शन की कोई आवश्यकता नहीं।
कोई जल्दी नहीं। फिर यही एक बात जीवन में, किसी भी हालत में मन के संतुलन का नाश नहीं होने देना। संतुलित मन में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति किसी अन्य के कारण दुखी होता है, क्रोधित होता है, उसके जैसा बेवकूफ जगत में कोई नहीं। सब ठीक है। देखो, इसके द्वारा हम अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट कर सकते हैं। ये कौन करेगा? न कर्मणा। दूसरी महत्व की बात, जिसको इस जगत में कुछ करना नहीं है वही आपको योग्य उपदेश करेगा। जिसको इस जगत में कुछ करना है वो आपका उपयोग लेगा, क्यों? कुछ करना है ना। समझो, हमको एक हॉस्पिटल चलाना है, तो हम जहां किसी को मिलेंगे तो क्या बात करेंगे? परमात्मा की बात करेंगे। देखो, ये कंडीशन कैसी होती है मालूम है? जैसे हमारे 7 लड़कियां, 6 ने अपने अपने बेवकूफ को पकड़ लिया, शादियां कर ली। अब वो 7वीं जो थी वो महा बेवकूफ थी, किसको पकड़ भी नहीं पा रही। अब क्या करें क्या करें, हम इसी चक्कर में ढूंढ रहे लड़के को। उसके लिए एक ही काम, बस इसकी शादी हो जाए, सब शांति हो जाएगी। तो जहां भी जाएंगे, तो किसी क्या कोई मर गया तो हमको जाना पड़ा, हम चले गए वहां शमशान घाट में, वहां वो जल रहा है और हम बैठे, गुप्ता जी कोई लड़का है क्या? अरे अपने लड़की, अरे वो मर रहा है वहां। लेकिन ये जो लड़की ऐसी सर पर चढ़ी हुई थी कि जहां भी जाए एक ही विचार, उसको लड़का मिले, लड़का मिले, क्योंकि कुछ करना है। देखो, न कर्मणा न प्रजया, दो प्रकार की प्रजा होती है, एक नाद संतति, एक बिंदु संतति। बिंदु संतति माने आप लोगों के बच्चे, नाद संतति माने जिन्होंने उपदेश के द्वारा शिष्यत्व स्वीकार करके अपने में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया जारी कर दी है, उन शिष्य को नाद संतति कहते हैं। न कर्मणा न प्रजया, किसी के द्वारा किसी का उद्धार नहीं होता। वी हैव टू लिव अवर लाइफ, वी हैव टू डाई अवर डेथ, वी हैव टू प्रैक्टिस अवर ओन स्पिरिचुअलिटी। There is no proxy on this path. कोई अन्य हमारे लिए कर दे नहीं हो सकता। और आप देखेंगे उपासना वाले पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी हमारे नाम से वो महामृत्युंजय का कर लेना एक जप। अच्छा सेठ जी, पैसे? यार तुम लोग बड़े ग्रीडी हो, पैसा पैसा पैसा, ले लो 125। और वो सेठ जी बैक टर्न हो गए। उतने में पंडित जी कहते, सेठ जी हो गया आपका, इतने जल्दी हो गया? 125 में ऐसे ही होता है। देखो, अध्यात्म किसी और से नहीं, अपने को करना है। न कर्मणा न प्रजया न धने न, देखो पैसे की गर्मी इतनी भयानक होती है कि व्यक्ति जीवन में वही सब कुछ मानता है। न धने न और त्यागे न एक अमृतत्व मानसु, सबका त्याग करना माने क्या? बिल्कुल सरल बात है, केवल इतना पहचान लेना अपना कुछ नहीं इस दुनिया में, बस। जैसे हम यहां आए इनके यहां, तो घर हमारा थोड़ी है, तो मुझे हमने कहा चलो हम आपके घर का त्याग कर देते। अरे महाराज, आपका था कब? हम तो यहां एक विजिटर के रूप में आए हैं, ध्यान से सुनना। इसी प्रकार से हम इस दुनिया में एक वेकेशन के लिए आए हैं, ये अपना घर नहीं है। ऐसे लगता है यहां परमानेंटली आ गए। कितना भी बढ़िया आप 7-स्टार होटल में चले जाओ और कितनी भी वहां अच्छी चीजें हो, लेकिन 2-4-6 दिन रहने के बाद लगता है नहीं, चलो अपने कानपुर में ही जाते हैं।
और कानपुर में आने के बाद क्या है, वहां का जैसा चकचकाट था वैसा है यहां? चारों तरफ गंदगी है और एक मरी सड़ी खटिया को खींच करके उस पर बैठते हैं, उसको तीन टांगे हैं, चौथी कुर्सी लगाई है और उस पर बैठने के बाद वो एक जैसे म्यूजिकल चेयर होता है, हमारी म्यूजिकल खटिया है, करारा करती है और उस पर बैठ करके फिर अपने पत्नी को दे दो, अरे भैया चाय मिल सकती है क्या? तो बड़ा प्यार से थोड़ी मिलेगा, खटखट से सर, फाइव स्टार में तो सर होता है ना, यहां सर फोड़ देंगे और चाय मिलेगी क्या? तो बड़े प्यार से थोड़ी मिलती है चाय, तुमको काम धंधा है कि नहीं कुछ? चाय चाय चाय, डांट दिया। उसके बाद चाय आती है और चाय भी कैसे आती है, इंपोर्टेड क्रोकरी नहीं जी, बहरा कप, उसको कान ही नहीं है देखो। और उसके बाद उसके होंठ फटे हुए हैं और वो भी दिया प्यार से, लो जी कहां ले जाए हैं? उसमें जो आनंद है वो फाइव स्टार में नहीं था। देखो संतो, यहां हम एक वैकेशन के लिए है, यहां परमानेंटली कोई नहीं है, ना आप ना हम। त्यागे ने के अमृतत्व मानसु, तो कैसे रहे? जैसे हम वैकेशन पर जाते हैं किसी भी स्थान पर, ध्यान से सुनना, वैकेशन पर जाते हैं तो पैसा कमाने के लिए नहीं जाते, पैसा उड़ाने के लिए जाते हैं, पैसा बचाने के लिए नहीं जाते, खर्चा करने के लिए जाते हैं। और कौन जाएगा वैकेशन पर जिसके जेब में पैसा हो? दरिद्र आदमी कहां जाएगा? देखो तो ये दरिद्री कौन होते हैं? आलसी लोग दरिद्री होते हैं, मेहनत नहीं करेंगे, हर चीज फ्री चाहिए। देखो किसी भी समाज को नष्ट करना हो ना, उनको ये फ्री बीज देना शुरू कर दो, वो समाज नष्ट हो जाएगा। देखो आप ये वेलफेयर स्टेट जिसको कहते हैं, यूके में चले जाओ या भाई ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, उसमें ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, दो चार नहीं लाखों में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिंदगी भर एक भी मिनट काम नहीं किया, गवर्नमेंट का पैसा लेकर के उस पर जी रहे हैं, थोड़ी भी शर्म नहीं व्यक्ति को, आलसी है ना। फिर ऐसे जो लोग हैं वो सब परेशानी खड़ी कर देते हैं क्योंकि पैसा तो कमाना नहीं है, फ्री मिल रहा है सब कुछ। देखो संतो, तो जैसे हम वैकेशन के लिए जाते हैं पैसा उड़ाते हैं आ जाते हैं, इसी प्रकार से जो हमको समय मिला है हम सबके लिए दो चीजें सामान्य है, एक अनंत शक्ति और दूसरी शांत समय, सबके लिए वही नियम है, हर एक में वही अनंत शक्ति की क्षमता है और हर एक को एक नियम, ये समय बांध के दिया, इतने समय तुमको मिला है, अब ये छोटे से समय में जो हमारी अनंत शक्ति है इसको हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। ये नहीं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए, कैसी शर्म नहीं आती लोगों की समझ में नहीं आता, भीख मांग के खाना, उससे तो ऐसा मरो। देखो हमारे पंजाब में चले जाओ, कोई भी सरदार जी आपको भीख मांगते नहीं देखेगा, थोड़ी तो अस्मिता होनी आवश्यक है। देखो नहीं तो धीरे धीरे आदमी उसी में मर जाता है, इसीलिए जगत में रहो खूब डायनामिकली, ये सब करते हुए भी ऐसे हल्के फुल्के, तो न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न के अमृतत्व मानसु परेण नाकम निहितम गुहायाम। तो ये जो अमृतत्व है अपना स्वरूप है वो कहाँ है? परेण नाकम, नाक माने स्वर्ग, कम माने आनंद, कम सुखम, और अकम माने दुख, न अकम माने फिर सुख। ध्यान से सुनना, तो दो प्रकार के सुख हो गए, एक सुख है दुख के अभाव को सुख कहते हैं,
ये दुख के अभाव का सुख हम सबको मिलता है गहरी नींद में, या एनेस्थीसिया दे दो तो वहां दुख के अभाव को ही हमने सुख माना है। दूसरा सुख वो है, चाहे दुख रहे या सुख रहे, जिसमें कोई घटाना या बढ़ना नहीं होता, वो है असली सुख। परेणनाकम, स्वर्ग की बात नहीं है, स्वर्ग के परे की बात है। परेणनाकम निहितम गुहायाम, गुहा का तात्पर्य कोई बंगाली का घर नहीं, गुहा माने ये पंचकोशों की गुहा में हम बंधे हुए हैं। देखो, परेणनाकम निहितम गुहायाम, तो करना क्या है, एक एक ये कवर को निकालना है। परेणनाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतय हा विशन्ति, ये स्वयं प्रकाशित जहां यति यति माने जो अध्यात्म के मार्ग पर प्रयत्नशील है, विशन्ति वही इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखो, अपने हृदय में रहने वाले परमात्मा का तुम तिरस्कार करते हैं और बाहर दुनिया भर में भटकते रहते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्म शतेन, बाहर कब तक भटकते रहेंगे। देखो, कहीं भी जाओ आप अपने को नहीं छोड़ सकते, और आप जो हो वही आपका आनंद स्वरूप है, केवल पहचानना मात्र है। ये कितना आसान है, ये उतना आसान है जितना एक पत्नी को ये जानना कि पहले मैं स्त्री हूं बाद में मैं पत्नी हूं। तो स्त्री के रूप में कभी दुखी नहीं, पत्नी के रूप में कभी सुखी नहीं। ये पत्नी वान नाम की वस्तु है क्या कोई? देखो संतो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती जाती है ना ज्ञान की, तब पता चलता है जीव नाम की कोई चिड़िया नहीं है। देखो, लेकिन उसी में फंसे हैं। तो परेणनाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशन्ति, अब ये जो यति है, प्रयत्नशील साधक है, उन्होंने अपने आप का निर्णय कैसे किया है कि मैं कौन हूं, कौन है ये मैं, कौन साधना कर रहा है, इसका निर्णय कौन लेगा? तो कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, वेदांत के सिद्धांत के अनुसार सुनिश्चित अर्थ, अब हमको स्पष्टता आ गई है, निश्चित हो गए कि यह पंचकोश अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय यह मैं नहीं हो सकता। देखो, इसके लिए करना कुछ नहीं है, केवल सजग होना है। जैसे हमारे आंखों पर चश्मा है, तो चश्मा आपको देख रहा है क्या? चश्मे के पीछे आंखें हैं, तो आंखें आपको देख रही है क्या? आंखें के पीछे देखने वाला है। इसमें क्या सीखना है? ऐसा ही आपने देखा होगा ना, कई लोग जब सोते हैं ना तो मुंह आंख नाक सब खोल के सोते हैं, कई का स्टाइल होता है सोने का। अब उसकी आंखें खुली है, सो रहा है, उसके आंखों के सामने उसको को 2+2 कितने जवाब थोड़ी देगा, वो है नहीं वहां। तो यह जो देही है ये इन सब से अलग है। देखो, इसको करना कुछ नहीं है संतो, केवल सूक्ष्मता से इसको ग्रहण करके निश्चित दृढ़ निश्चय हो जाए, हां यही सत्य है। और जैसे जैसे आप सूक्ष्मता से चिंतन करेंगे, तब पता चलेगा जब वो छोटा सा देह था बचपन का, सभी उठाते थे, हग करते थे, किस करते थे, चॉकलेट देते थे, वो कहां गया?
क्या हमने उस बालक देह के मृत्यु का महात्म बनाया? कहाँ गया वो देह? फिर जवानी का देह आया, वो भी पता नहीं कहाँ गया है। पुलिस में करो FIR, वो भी चला गया। कभी दुख हुआ? फिर ये मध्यम वय आ गया, शादी, पति पत्नी, भाई, सास ससुर, नौकरी, बिजनेस, पैसा, दुख सुख सब आ गया, वो भी चला गया। अब बुढ़ापा आया, वही गणित लगाओ, ये भी चला जाएगा। अपने को क्या हुआ? देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें करना कुछ नहीं है, केवल सजग होकर के इस अनुभूति में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। देखो, इसीलिए वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः, विज्ञान का तात्पर्य अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उसमें निष्ठा प्राप्त करना। जैसे छोटा देह खत्म हो गया तब भी हम खत्म नहीं हुए, तो माने हम देह से अलग है। फिर यह टीनेज देह खत्म हो गया फिर भी हम खत्म नहीं हुए, इसीलिए हम देह से भिन्न है। ये मध्यम वय खत्म हो गया लेकिन हम ज्यों के त्यों, इसी प्रकार से ये बुढ़ापे का देह भी जाएगा, कौन मरेगा? लेकिन इसी मृत्यु को लेकर के ऐसे परेशान, ऐसे परेशान। और एक ही बात, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? अरे यार, तुम जिंदा थे तब कुछ नहीं हुआ, मरने के बाद क्या होने वाला है? देखो, हाँ एक होगा, जैसे आप जितने भी लोग यहां आ गए ना, कहते हैं ना आप सत्संग में जाओ तो शांति मिलती है, तो आपके घरों में शांति है क्योंकि आप वहां नहीं हो। रोज जाया करो ना बाहर, देखो घर के बुढ़ाओ लोगों को बताया जाता है, देखो बच्चों को तैयार होकर स्कूल में जाना है, आप सुबह सुबह घंटे भर जाकर के बाथरूम में बैठते हो, बाहर जाया करो, जाओ। कितनी सहज बात है महाराज, यही है वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। पहली स्टेप ये है, अपने आप को देह से अन्य के रूप में स्वीकार करना। दूसरी स्टेप है, अपने को जीव मानना बंद कर दो, जीव नाम की वस्तु नहीं है। ध्यान से सुनना, एक उदाहरण देंगे आपको। हम एक बार पेट्रोल पंप पर गए और उस आदमी को कहा, भाई ऐसे करना 1000 हॉर्स पावर का पेट्रोल देना। पेट्रोल की हॉर्स पावर होती है क्या? या जिस लोहे का इंजन बना होता है, ये लोहे की हॉर्स पावर होती है? कहां है हॉर्स पावर? कब होती है? जब पेट्रोल और इंजन एक विशिष्ट परिस्थिति में इकट्ठे आ गए तब ये हॉर्स पावर प्रकट होती है। स्विच ऑफ कर दो, कहां गया हॉर्स और उसकी पावर? वही बात, केवल बिजली में प्रकाश नहीं, केवल बल्ब में प्रकाश नहीं, दोनों इकट्ठे हो गए, प्रकाश प्रकट हो गया। इसी प्रकार से केवल परमात्मा में जगत नहीं, संसार नहीं, और केवल प्रकृति में संसार नहीं, पुरुष प्रकृति का संयोग हो गया, वहीं यह जो जीवन प्रकट हो गया, जीव न माने जीव नहीं, लाइफ, हम सभी के सभी लाइफ है, जीवन है, जीवन ही है। देखो, और जीवन की अभिव्यक्तियां सामान्य है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अपना पराया, सुख दुख, लाभ हानि, सब में सामान्य है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि जीवन एक है। देखो, हम बढ़िया बढ़िया खाना खा के हमको जितनी खुशी मिलती है, उतनी ही खुशी एक सुअर को गंदगी खाने से मिलती है।
भूख वही है। देखो जो कहानियां आती है ना अपने पुराणों में, इसका तात्पर्य हम ग्रहण नहीं करते, इसीलिए फायदा नहीं होता। एक कहानी आती है महाभारत में, अर्जुन जब गया इंद्रलोक में तो वहां की जो अप्सराएं थी अर्जुन पर लट्टू हो गई और उसके साथ भोग करना चाहा, तो उसने कहा कि ये संभव नहीं, इंद्र मेरे पिता हैं और आप इंद्र भोग्या हो इसलिए मुझे मातृतुल्य हो, इसलिए ये विचार निकाल डालो। और फिर जब आवेग आ जाता है काम का तब व्यक्ति सब भूल जाता है, तो जब उसने इनकार कर दिया तो उसको गुस्सा आया, उसको शाप दे दिया, तुम नपुंसक हो जाओगे। शाप देने के बाद वो काम का आवेग खत्म हो गया और फिर आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, एक कर सकती हूं, आप हमेशा के लिए नपुंसक नहीं, एक साल के लिए नपुंसक रहोगे, जब चाहे तब। देखो अब हमको सीखना क्या है, चाहे आप पृथ्वी लोक में रहो मनुष्य के रूप में, चाहे घोड़े गधे सुअर के रूप में रहो, चाहे वहां इंद्रलोक में अप्सराओं के रूप में रहो, कहीं भी रहो, आपके हृदय में जब तक के कामना है तब तक के संसार है। देखो कितनी कहानी आपने पढ़ी होगी, अमुक अमुक को ऐसा शाप दिया था, जैसे आपके भीष्माचार्य जी को ले लो, भीष्माचार्य कौन थे, अष्ट वसुओं में से एक वसु थे, अष्टवसु लोक में, वसु लोक में उन्होंने कोई गड़बड़ी करी, उनको शाप मिला कि तुम मर्त्य लोक में पैदा होकर के ऐसा भुगतोगे, और वहां आ गए। तो ये तो हमें, ये चतुर्दश भुवन जो है, भूर्भुव स्वः महाजना तपा सत्यम और अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल महातल, ये सब के सब संसार ही है। देखो इसीलिए संतो, सभी प्रकार की कामनाओं का अभाव यही आध्यात्मिक साधना है। तो वेदांत विद्या संन्यास योगान, संन्यास योग क्या हो गया, अपने आप को देह मानना छोड़ दिया, अपने आप को जीव मानना छोड़ दिया, हम सब जीवन है। अनेकता का दर्शन होते हुए भी अनेकता के भेद को स्वीकार करते हुए भी जब हृदय में भेद भाव प्रकट नहीं होता तब जाकर के हमारी वेदांत की निष्ठा हो रही है। देखो नहीं तो अपनी लड़की तो दूध की धुली है और जो बहू है वो तो भयानक है। देखो संतो ये जो मेरा तेरा का चक्कर है ना, यही संसार है और कुछ नहीं है। इसीलिए वेदांत विज्ञान सुनिश्चिता था संन्यास योगाद यत यहा शुद्ध सत्वाहा, और कौन है ये यति, शुद्ध सत्वाहा, यहां सत्व का अर्थ है अंतकरण, जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है। ध्यान से सुनना, अंतकरण की शुद्धि का एक ही अर्थ है, जिस ज्ञान में अनात्म भाव का आदर नहीं होता वह शुद्ध अंतकरण है। या तो सबको अपना स्वीकार करो या किसी को भी अपना मत कहो। 12वें अध्याय में भगवान इस विचार को लाते हैं, सर्वत्र ननभिस्नेहः, इस शब्द को यदि आप तोड़ोगे तो दो प्रकार से टूटेगा, सर्वत्र अनभिस्नेहः, किसी के भी साथ मेरा तेरा का चक्कर नहीं, और सर्वत्रान अभिस्नेह, या सभी के साथ अपना प्यार है। देखो या तो सबको अपना स्वीकार करो या किसी को अपना स्वीकार मत करो, मतलब वही निकलेगा। ये हम करते क्या, कोई कोई अपने कोई कोई पराये है, और वहां से इनर सर्कल आउटर सर्कल शुरू हो जाता है। ये जितने महात्मा लोगों के अगल बगल में ये होते हैं ना, सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वगैरह, वहां यही चक्कर शुरू होता है। इसीलिए संतो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था का तात्पर्य है, हम अपने आप को देहात्म भाव और जीवात्म भाव के परे होने को पहले मान्य करें, स्वीकार करें, और फिर उसके दिशा में अपनी साधना हो।
तो सन्यासी योगा जतयहा शुद्ध सत्वाहा पी ते ब्रह्म लोकेशु परांतकाले। अंतकाल माने जो हम लोग मरते हैं वो अंतकाल, परांतकाल माने कबीर जी जो कहते हैं ऐसे मरो कि फिर मरने की नौबत ना आवे। देखो, और हमको मरने के लिए हम लोग एक्सपर्ट हो गए, सुबह चाय में चीनी नहीं थी मर गए, काम वाली नहीं आई मर गए। अरे कभी तो जिंदा रहना सीखो, जीवन पूरा मरने में ही जा रहा है। देखो, इसीलिए परांत काल माने केवल इस भ्रांति से अपने आप को मुक्त होना है। और कहा ब्रह्म लोकेशु, देखो लोक का तात्पर्य स्थान नहीं, इसको स्पष्ट समझ लेना। हम लोगों की ये भ्रांति है ब्रह्म लोक माने ये अपने कानपुर से अच्छा होगा, ऐसे नहीं। लोक का तात्पर्य होता है अनुभव। कठोपनिषद में स्वर्ग लोक की व्याख्या आती है, वहां कहते हैं स्वर्गे लोके न भयम किंचन आस्ति, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्ग किसको कहते हैं? न भयम किंचन आस्ति, जहां किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, भय रहित अनुभूति को स्वर्ग कहते हैं। किसका किसका भय होता है? छह उर्मियों का भय होता है, स्थूल देहों को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु का भय। देखो, फिर प्राणमय कोष को लेकर के भूख प्यास का भय। स्वामी जी आप इतनी जगह जाते हो, खाने का क्या करते हो? अरे यार मैं खाने के लिए थोड़ी जाता हूं, रेस्टोरेंट में जाओ तो ठीक है खाने के लिए जा रहे, अब सत्संग के लिए जा रहे खाने की बात। देखो ये जो पब्लिक होती है ना, बड़ी बड़ी कथाएं बड़े बड़े सेठ जी लोग करते हैं कि अभी रामायण की कथा होगी, पूरे कस्बे को बुलाएंगे हजारों लोग, और वहां क्या होगा? मेन आइडिया खाने का। पूरी बैलगाड़ी अभी अभी अपने वाराणसी में नदी के उस पार, गंगा जी के उस पार, वहाँ बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, हजारों लोग आएंगे कथा सुनने के लिए, सबके लिए खाना फ्री। कौन सुनेगा कथा खाने के सामने? बस वही हो जाता है। इसलिए कहते हैं ब्रह्म लोकेशु का तात्पर्य जहाँ बुढ़ापा मृत्यु का अनुभव नहीं या भय नहीं, जहां भूख प्यास का भय नहीं और मन का शोक मोह ये छह भयों से जो मुक्त है, उस अनुभूति को कहते हैं स्वर्ग। और ये यहां हम सब लोग रोज स्वर्ग जाते हैं, जब गहरी नींद में होते हैं उस समय देहात्म भाव नहीं, इसीलिए बुढ़ापा और मृत्यु का डर नहीं, उसके बाद भूख प्यास की चिंता नहीं, फिर मन सो गया है इसीलिए शोक मोह नहीं। अहर अहर ब्रह्म गमयति प्रश्नोपनिषद में आता है कि रोज हम ब्रह्म के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां ये तीन प्रकार के जो दुख है भय है वो समाप्त हो गए। इसीलिए ते ब्रह्म लोकेशु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। पर अमृतात्, ये अमृत से भी परे है, ध्यान से सुनना। हम जिस ज्ञान में अस्ति और नास्ति ये भेद को स्वीकार कर सकते हैं, वह ज्ञान मन के माध्यम से उपलब्ध होता है। जैसे अभी दिन है रात नहीं है, आपको कैसे पता चला? तो यार खुलम खुला दिखता है ना, आप बहुत बढ़िया। तो जिस ज्ञान में है नहीं है ये प्रत्यय निर्माण होते हैं, वो मानसिक ज्ञान है। अभी जागृत अवस्था है, सुषुप्ति नहीं है, ये मन की कल्पना है। लेकिन क्या कभी ये होता है क्या, मैं हूं या मैं नहीं हूं? अपना होना और अपना नहीं होना, ये विकल्प कभी नहीं आ सकता। ये जो निर्विकल्प अनुभूति है
इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। मरने भी नहीं देते, जीने भी नहीं देते। देखो ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, ये है परांत काल, परामृतान परिमुच्यन्ति सर्वे। फिर ये जो द्वैत का संसार है, इसमें रहते हुए भी ये द्वैत के संसार से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। अब इसके लिए साधना बताते हैं पांचवें मंत्र में, विविक्त देशे च सुखासनस्थः शुचिस्समग्रीव शिरःशरीरः अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्। अब यहाँ ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं। विविक्त देशे च सुखासनस्थः, विविक्त देश का तात्पर्य है ऐसा स्थान जहां आपको कम से कम डिस्टर्बेंस हो, कम से कम। ये मत कल्पना करना आपको कहीं डिस्टर्बेंस होगा ही नहीं, ये असंभव है। देखो ये यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो छोटी छोटी चीजों लोग बहुत विक्षेप हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे ये जो प्रोफेशनल मेडिटेशन सिखाने वाले होते हैं ना, वो इतना वहां आर्टिफिशियल कंडीशन निर्माण कर देते हैं, दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, बाहर बोर्ड लगा दिया है मेडिटेशन इन प्रोग्रेस, डोंट डिस्टर्ब, वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। और फिर अंदर जा कर के सब बैठेंगे और बैठने के पश्चात लाइट ऑफ कर दो, सबको सोना है। मेडिटेशन अंधकार में करने के लिए कोई बुरी बात है क्या? अंधकार काहे को चाहिए? नहीं ताकि सभी विद्यार्थी और गुरु दोनों सो सकते हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और मेडिटेशन खत्म हो गया, सब जग गए नींद से। ये सब कार्टून होते हैं, ये मेडिटेशन नहीं है। देखो जहां भी हो, पहली सबसे महत्व की बात ध्यान से सुनना, सबसे महत्व की बात, आप प्रसन्न हो। जो व्यक्ति प्रसन्न नहीं है वो ध्यान के अधिकारी नहीं है। गुस्से गुस्से में पता नहीं है बच्चे सुबह सुबह तकलीफ देते, मम्मी वो बाथरूम का है, ये कोई मेडिटेशन है? पहली आवश्यकता, यू हैव टू बी हैप्पी, प्रसन्न हो। जो कार्य प्रसन्नता से किया जाता है उसी में सफलता होती है। आप देखेंगे रामचरितमानस में जब भी भगवान राम चल पड़े, हर्षी हृदय लाए, क्या व्हाट इज दैट, हर्ष के साथ वो चल पड़े। देखो जो भी कार्य करना है, ध्यान के लिए बैठना है, प्रसन्न होकर के। जो आदमी प्रसन्न होता है वही वर्तमान में होता है। सिंपल बात है, कोई कठिन नहीं है। दूसरी महत्व की बात, जो डर आता है ध्यान के से उसको निकालना है तो अपने हृदय में अपने इष्ट देवता और गुरु महाराज है यह स्वीकार करें। तो भगवान हमको अंदर से ही रक्षा करते हैं और गुरु महाराज हमको अंदर से ही मार्गदर्शन करते हैं। दो बात। तीसरी बात, ध्यान के लिए बैठे अब आप कुछ भी नहीं हो, रिमेन एज नो बडी। सम बड़ी बनकर के बैठोगे तो विचार आना शुरू हो जाएंगे। यदि पति होकर के ध्यान के लिए बैठोगे तो आपके सामने देवी के रूप में बेलना देवी आ जाएगी। देखो कुछ बनो मत, रिमेन एज नोबडी। चौथी बात, ध्यान के बाद क्या करना है ये संकल्प मत लेना। या तो ऐसा करते ध्यान कर लेते फिर उपमा बनाएंगे, लेकिन स्वामी जी वो प्याज खाते हैं कि नहीं खाते पता नहीं, लहसुन भी खाते हैं कि नहीं पता नहीं, ये लोग बताते भी तो नहीं, हम इतना बनाए मेडिटेशन उपमा चल रहा है। देखो आवश्यकता इस चीज की है, विविक्त देशे च सुखासनस्थः। सुखासन का तात्पर्य
ये दुनिया भर के आसन करके परेशान मत होना। देखो कई बार ये योगी लोग हैं ना, इनको कोई काम धंधा होता नहीं, बचपन से वही काम किया उन्होंने। हम लोग गृहस्थ है, बड़े मुश्किल से देख लिया इधर उधर में, टीवी पर देख करके योगा करते हैं ना, वो एकदम टीवी के एंकर ही बन जाएंगे। फिर वो एक टांग को यहां रखा, दूसरे को वहां रखा, अब हम पद्मासन में बैठ करके मेडिटेशन करेंगे, बैठ तो ली अब खुलता ही नहीं, डॉक्टर को बुलाओ। किसने बताया था ये चक्कर करने के लिए? आप यदि पतंजलि के सिद्धांत के अनुसार चलोगे तो आपको पता चलेगा, स्थिर सुखम आसनम, यही शब्द यहां है, सुखासनस्थ, आपका सुख स्थिर होना चाहिए, शरीर नहीं। देखो सुखासनस्थ, प्रसन्न होकर के बैठे, ध्यान से सुनना, यदि आप प्रसन्न हो तो अपने आप आपका शरीर स्थिर होगा, आपके प्राण बहुत धीरे धीरे और हल्के पुलके चलेंगे, यदि आप प्रसन्न हो तो, एक्साइटेड नहीं, प्रसन्न। देखो प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते, भगवद गीता में कहते हैं कि जो प्रसन्न चेतस है उसी की बुद्धि परमात्मा में लग सकती है, जो दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, कुछ ना कुछ करना है, उसके लिए नहीं ध्यान। तो विविक्त देशे च सुखासनस्थ, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। इसके लिए आपको एक सिंपल टेक्निक बताते हैं, जैसे आप वेदांत का श्रवण कर रहे हैं ना, वैसे दुनिया की बातें सुनो ना। माने क्या, इतना श्रवण किया कुछ फर्क पड़ा? उसी प्रकार से दुनिया की बातें सुनने से क्यों फर्क पड़ता है? किसी ने गधा कहा, बोले कहीं नहीं कहा, तुमने पहली बार थोड़ी कहा है, ओ रिलैक्स। देखो लेकिन इतना छोटी मोटी चीजों को लेकर गुस्सा हो जाते हैं कि पूछो मत। ध्यान से सुनना, जगत में सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति। दुनिया को आग लगने दो, अपने मन के शांति के साथ मत खेलना। देखो जिस जैसे उदाहरण के लिए, जो वस्तु आप खाने से आपको परेशानी होती है उसको मत खाओ। अब उसको नहीं खाते इसीलिए इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम उसके प्रति द्वेष रखते हैं, नहीं, हमको सूट नहीं होती, खत्म। सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न कभी मत करना, भगवान फेल हो गए, हम कहां सक्सेसफुल हो गए, ये हमारा ये नहीं, नहीं सबको खुश करेंगे। अरे आप स्वयं खुश रहो, बस, मोर देन इनफ। इसीलिए विविक्त देशे च सुखासनस्थ, शुचि ही, शुचि का तात्पर्य बाहर की साफ सफाई और अंदर का पावित्र्य, दो बातें। कई बार नीचे उठे और वैसे बिस्तर में बैठ लिए, फिर क्या है, ये सिटिंग मेडिटेशन कॉल्ड एज झटका मेडिटेशन, नहीं। शुचि का तात्पर्य है स्नान करने से आलस, निद्रा, प्रमाद, बुरे विचार सब अपने आप साफ हो जाते हैं। फिर शुचि का दूसरा तात्पर्य अंतकरण की शुद्धि, पावित्र्य। हम ध्यान के लिए बैठे हैं तो किसी का भी चिंतन ना करें, शुचि। उसके पश्चात समग्रीव शिरः शरीरः, फिर अपने पीठ की हड्डी, गर्दन और सर को सीधा रखें। वो सीधा रखने का तात्पर्य ये है, जैसे ये हमारे कैमरे का जो स्टैंड है ना, इसको यदि आप अध्ययन करो तो पता चलेगा, इसके जो दो टांगे हैं इसका जितना अंतर है उतना ही अंतर सब में है। इसके कारण इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व मध्य एकदम सेंटर में है, इसीलिए ये स्टेडी है। वही बात अपने में ले आओ, जब आप ध्यान के लिए बैठते हो तो घुटनों के बीच का अंतर, घुटना और पीछे की हड्डी, वहां का अंतर, घुटना और गर्दन, ये अंतर यदि समान हो
तो आपका यह जो गुरुत्व मध्य है शरीर का, वो एग्जैक्टली नीचे के जो सिटिंग बोन्स है, पिन बोन्स कहो या स्टैप पॉइंट्स कहो, ये दो बोन्स जिसके बीच में गुदद द्वार खुलता है, इन दो बोन्स पर आपके शरीर का वजन आएगा। वो यदि होगा तो आपके पैर नहीं सोएंगे, आप नहीं थकोगे, घंटों बैठो आप नहीं थकोगे। अभी हमारी परिस्थिति क्या है, इधर झुक के बैठे हैं, फिर ये पैर सोता है, फिर इधर बैठते फिर ये भी पैर सोता है, फिर हम सोचते पैर क्यों सोए, हम क्यों नहीं, हम भी सो लेते। विविक्त देशे च सुखासनस्थ शुचि ही समग्री व शिर शरीर, फिर अत्याश्रमस्त सकल इंद्रियाणी नियम्य। अत्याश्रमस्थ मीन्स अब हम अत्याश्रम माने अपने हृदय में ये संन्यास का भाव निर्माण करें कि अब मैं ये देहात्म भाव और जीवात्म भाव से मुक्त होने के लिए तैयार हूं। जैसे हमारे टेररिस्ट बंधु जब जाते हैं कहीं तो वो इस भाव से निकलते हैं, अब वापस नहीं जाना है, अपने को फूकना है। कितना कमिटमेंट है, उतना कमिटमेंट। संन्यास अत्याश्रमस्तः, अब हमको देहात्म भाव और जीवात्म भाव इसका त्याग ही करना है। नहीं लेकिन फिर मुझे स्कूल जाना है, उसका क्या, तो जाओ वही जाओ फिर। अत्याश्रमस्तः ये कमिटमेंट, दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। अत्याश्रम फिर सकलेन्द्रियाणी निरुद्ध्य, फिर भाव अलग अलग है। हाँ, तो यह जो इंद्रिय है, सभी के सभी इंद्रिय, इनको नियम्य, उनका नियमन किया। उसके पश्चात भक्त्या स्वगुरुम प्रणम्य, हृदय में भक्ति का आह्वान करके गुरु का स्मरण किया। अब देखो, देहात्म भाव होने के बाद अनेक प्रकार के संबंध निर्माण हो जाते हैं, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, तीन आत्माएं बताई है शास्त्रों में। मुख्य आत्मा जो एकमात्र है, मिथ्यात्मा देहात्म भाव से जो निर्माण होता है, मैं देह हूं वो मिथ्यात्मा है, और देहात्म भाव के पश्चात जो निर्माण होता है वो पति पत्नी भाई बहन इत्यादि, वो गौणात्मा है। देखो तो पहले हमको शास्त्र बताते हैं कि आप देह नहीं हो, किस लिए बताते हैं ध्यान से सुनना। हम सभी के सभी अपने जीवन को, जीवन के दुख को अन्य को बताते, इसके कारण मैं दुखी हूं। तो पहली गलती जो हमारे जीवन में होती है, हम अन्य को बदनाम करने में एक्सपर्ट है। तो शास्त्र बताते हैं अपने दुख को लेकर के अन्य को बदनाम ना करें, फिर आपके जीवन के सुख दुख को आप स्वयं जिम्मेदार हो। कैसे, मैंने क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी पत्नी मिली? पिछले जन्म में तुमने उसको छला था, उस समय उसने करवा चौथ करी थी, इसीलिए जन्म में फिर तुम्हारी पत्नी बन के आई है बदला निकालने के लिए। लेकिन मुझे तो याद नहीं। अब वो भूल जाओ, याद है कि नहीं, अब उसके साथ ठीक से व्यवहार करो तो अगले जन्म में फिर पकड़ लेगी। ओ महाराज, बिल्कुल ऐसा ही सत्य है। अब हमने क्या सीखा इससे? सीखना ये है कि पहले भी हम थे जब ये देह नहीं था, इस देह में भी हम है, जब ये देह नष्ट हो जाएगा फिर भी हम बने रहेंगे। माने हम कौन है? हम एक अखंड सत्ता है। ये समझ में नहीं आता, इसीलिए बताते, देखो बेटा मरने के बाद जीव देह छोड़ के चला जाता है। अरे यार, जीव जीव किसको कहते? जीव जैसे प्रकाश बल्ब में ये व्यक्ति है कि अभिव्यक्ति है? अभिव्यक्ति है ना।
और ये बता, एक बल्ब जो है वो टॉयलेट को प्रकाशित कर रहा है, दूसरा बल्ब एक टेम्पल को प्रकाशित कर रहा है, तो वहां भी हम प्रश्न पूछते हैं, ये बल्ब टॉयलेट में क्यों है और ये बल्ब टेम्पल में क्यों है। अब बेवकूफ प्रश्नों को समझदारी के उत्तर नहीं होते, फिर उनको और बेवकूफ बनाया जाता है। ये जो है ना टॉयलेट वाला, ये पिछले जन्म में टेररिस्ट होगा, और ये वाला ये तो बड़ा धर्मात्मा होगा, धन्य पुण्य किया होगा। बात करते रहो, उतने समय में आपके टेम्पल का बल्ब फ्यूज हो गया। अरे क्या हो गया? भगवान को अच्छे अच्छे लगते हैं। नहीं लेकिन अब क्या करें, कुछ नहीं, ये टॉयलेट का बल्ब निकाल करके यहां लगा दो। लेकिन ये बल्ब यहां क्यों आया? कोई पुण्य किया होगा, ऊपर आ गया। अब कितना बेवकूफ बनोगे? देखो संतो, जब बल्ब फ्यूज हो जाती है तो उसमें से लाइट निकल के दूसरे बल्ब में जाता है क्या? यस थिंक, ये जीव एक प्रक्रिया है कि हम देह से अन्य है ये बताने की। अब देह से हम अन्य है ये तो स्वीकार कर लिया, लेकिन देह से अन्य माने कौन है तो बता दिया, कुछ ना कुछ नाम देना है तो जीव बता दिया, और हमने उसको स्वीकार कर लिया। ध्यान से सुनना, जैसे ब्रह्म क्या है उसका निर्णय आता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जीव क्या है? जीव जीव है नहीं। जीव को आपको समझना हो तो ऐसे समझो, आदमी ब्रह्म है और पति जीव है। अब दोनों में क्या फर्क है? आदमी बिना पति बन के भी रह सकता है, लेकिन पति को पति होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो स्वयं आदमी होना आवश्यक है, दूसरा उसके सामने पत्नी नाम का दर्पण चाहिए। तो पत्नी नाम के दर्पण में आदमी का जो प्रतिबिंब है, ये तीनों चीजों मिलाकर के उसको पति कहते हैं। देखो इसी प्रकार से परमात्मा मनुष्य के जगह में, पुरुष के जगह में, और प्रकृति या पंचकोश या विज्ञानमय कोश, उसमें परमात्मा का प्रतिबिंब चिदाभास, उस चिदाभास का देह के साथ तादात्म्य, ये सब मिलाकर के जो खिचड़ी होती है उसको कहते हैं जीव। ये सब के लिए सामान्य है, चाहे बल्ब चाइना का बना हो या इंडिया का बना हो, चाहे प्रकाश चाइना में हो या इंडिया में हो, तो हम ऐसा कहेंगे क्या ये चाइनीज इलेक्ट्रिसिटी, अपनी तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं, एक ही है। तो परमात्मा का प्रकृति में जो प्रकटीकरण है, अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को जीव कहते हैं, लेकिन जीव यह व्यक्ति नहीं है। देखो एक बार एक आदमी सज्जन हमारे पास आए, बोले स्वामी जी आप मेरी मजाक मत उड़ाना और मेरा उदाहरण मत देना लेक्चर में। ठीक है, नहीं देंगे। बोले मैं अपने पत्नी से बहुत परेशान हूं, क्या करूं? हमने कहा चिंतन करो। बोले आपको दूसरा कुछ आता नहीं? क्या समस्या? वहीं से है सब। बोले क्या चिंतन है? हमने कहा पति यह एक सामान्य नाम है, कॉमन नाउन। बोले हाँ, इसमें क्या खास बात है? हमने कहा इसका अर्थ है ये, हर पति दुखी होता है, तो तुम दुखी हो कोई नई बात है क्या? क्या हर पति दुखी? बिल्कुल होता है। देखो राम से शुरू करो, जब उनके ये हाल रहे, आप तो कौन जगजीवन राम हो, आपका क्या होने वाला है? तो फिर टेक इट लाइटली। देखो संतो, इसीलिए यहां जो बताते हैं, सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध्य भक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य हृत्पुंडरीकं विरजं विशुद्धं मध्ये विचिन्त्य। अब फिर अपने हृदय में चिंतन शुरू करो। देखो इसमें मूल बात क्या बताइए? चिंतन की।
केवल फिजिकल नहीं है, ऐसे बैठो वैसे बैठो, ये तोड़ो वो तोड़ो, हवा भरो हवा निकालो, पूरा समय उसी में चले जाता है। ये सब आवश्यक है लेकिन यही सब कुछ नहीं है। खाने के लिए बैठो तो बढ़िया टेबल कुर्सी हो, साफ सुथरा हो, प्लेट हो, सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन खाना भी तो चाहिए ना। अच्छा खाना भी चाहिए। देखो एक पति पत्नी थे, उस पत्नी को नए नए व्यंजन बनाने का शौक था और पति उसका गिनी पिग, नया एक्सपेरिमेंट पति पर। एक दिन शाम के समय उसने बढ़िया टेबल सेट किया, कैंडल लाइट डिनर करेंगे हम आज रात को, ठीक है। और बेचारा पति बोले ठीक है, और बैठे खाने के लिए और वो अपना खा रहा था। फिर पत्नी ने पूछा आपको क्या अच्छा लगा, तो उसने देखा चारों तरफ, क्या कहूँ क्या अच्छा लगा, हाँ ये कैंडल लाइट बड़े अच्छे हैं। खाने को बैठने के बाद खाने के व्यंजनों के स्थान पर कैंडल लाइट जब अच्छे लगते हैं तो समझदार को इशारा काफी है। देखो इसी प्रकार से यहां जो बताते हैं रुत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम, ये सब बाहर का हो गया, ठीक से बैठे आसन पर हा हू करके हवा भर ली निकाल दी, अब क्या करोगे सो जाओ। देखो मन को अनेक आग्रह और शून्याग्रह, ये दो एक्सट्रीम से बचा करके मन जब एकाग्र हो जाता है तब ऐसा मन जो है आत्मचिंतन में लग सकता है। तो पहली जो तैयारी है वो केवल डाइनिंग टेबल अरेंज करना है, खाने के लिए भी तो चाहिए ना। तो यहां से असली ध्यान शुरू होता है, रुत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम मध्ये। फिर ऐसा जो शुद्ध अंतकरण है, विक्षेप रहित अंतकरण है, ऐसे अंतकरण में विचिंत्य, अब चिंतन करना शुरू कर दिया। अब क्या चिंतन है, किसका चिंतन है, ये अगले मंत्र में है, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।